क्योंकि मैं इसका बिल दे रही हूँ। चैलेंज कर रही हो तो लाख रुपए की चीज रख ले तुम्हें क्या? हाँ नहीं ये कोई बात नहीं होगी। सो आर यू एक्साइटेड? सो चलते हैं वहां पर और हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलो सबसे पहले सोच लो, टाइम लिमिट कोई नहीं, आराम से सोच कर खरीदो। चलो चलो कोई हेल्प नहीं, हेल्प लेना मना है, हेल्प लेना मना है। गिरा 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 गिरा, नहीं गिर रहा यार ना। तुमने तो मुझे लूटा, बहुत लूटा। पे करते हैं और सो ज़ेनब क्योंकि आज के व्लॉग में ज़ेनब के साथ करूंगी एक चैलेंज। उस चैलेंज में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, वो मैं आपको स्टोर में जाकर समझाऊंगी। बट उससे पहले हम ज़ेनब से पूछते हैं कि वो अवेलेबल है चैलेंज के लिए या फिर नहीं। सो लेट्स गो। ज़ेनब आपको किस चीज की इतनी खुशी है, समझाना चाहोगी? और मैंने तुम्हारे स्नैक्स की जो ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तुमने उसमें एक ट्विस्ट डाला है। सो गाइस वो ट्विस्ट कुछ ये है। सो इसके अंदर हम चैलेंज करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए स्टोर में जाके एक बॉक्स बनाऊंगी, उस बॉक्स के अंदर जितना तुम सामान डाल सकते हो तुम डाल सकते हो, और अगर सामान बाहर निकला उसमें से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन व्हाटएवर आई वांट टू बाय, जो चाहूं। हाँ जो मतलब कि तुम एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज भी उठा सकती हो और मुश्किल से मुश्किल चीज भी, अच्छी से अच्छी। हाँ जो दिल करता वो। सो आर यू एक्साइटेड? सो चलते हैं वहां पर और हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलो अगर तो ज़ेनब हमारे हमें कुछ कहना चाहती है, ऐसे ही चैलेंजेस बनाया करो, आई एम ऑल योर्स। ज़ेनब जो है हमारे चैलेंजेस से बहुत ज्यादा खुश है, बट ज़ेनब इसमें तुम्हें एक गलती भी हो सकती है कि अगर तुमने कुछ ना लाइक अगर कुछ बॉक्स में पूरा ना आया तो वो तुम्हें जो है ना वो सब वापस करनी पड़ेंगी चीजें, लाइक तुम्हारा चैलेंज फ्लॉप हो जाएगा फिर। सो नहीं नहीं रेडी हो तुम? फ्लॉप नहीं होगा इसमें। हाँ। ये होगा कि अगर मैंने कुछ भी गिरा दिया तो ये होगा कि जो गिरी होंगी ना चीजें वो तो मेरे में जो अंदर जो, मतलब कि एड ये नहीं कि उस बॉक्स में जो चीजें होंगी ज़ेनब को सिर्फ वो मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ठीक है, तो इसलिए हम लोग को चाहिए इसके लिए तीन चीजें। फर्स्ट हमें चाहिए एक क्रेडिट कार्ड जो राबिया का होगा, सेकंड हमें चाहिए एक टेप, और थर्ड हमें चाहिए ज़ेनब। सो चलो, और एक टेप लेकिन कोई डार्क कलर में पकड़ना, और फोर्थ हमें चाहिए एक ड्राइवर। सो वो हमारे पापा हमें छोड़कर आएंगे और वो हमें लेकर आएंगे। सो चलो ओके। सो पापा आ चुके हैं, रेडियो पापा जी हमें ले जाएंगे स्टोर में जहाँ हमने कुछ ग्रोसरी करनी है। पापा भी रेडी हो गए, और ज़ेनब को बस आपने ये ध्यान रखना है कुछ एक्सपेंसिव चीजें ना उठाए पापा, नहीं नहीं क्योंकि मैं इसका बिल दे रही हूं। चैलेंज कर रही हो तो लाख रुपए की चीज रख ले तुम्हें क्या? हाँ नहीं ये कोई बात नहीं होगी, सही बात क्या? लेकिन हाँ जो मर्जी उठा हाँ। सकती हो, तो हम अपना सामान मम्मा के हमारे साथ जाएंगे क्योंकि मम्मा एक घर का बड़ा होना जरूरी है। उसको संभालो भी जो चैलेंज। हाँ इसके सामने तुम एक साइड पे रख दोगी ना हीरा, हाँ, और एक साइड पे लॉलीपॉप, इसलिए लॉलीपॉप भी उठा क्योंकि ज़ेनब बहुत ज्यादा बॉय, ज़ेनब सावर चीजें खाना बहुत पसंद करती है। तो हम लोग अपनी चार चीजें पकड़ लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, टेप और ज़ेनब। सो अगर वो हमें अलाउ कर देते हैं ठीक है, वरना हम लोग किसी और जगह पर जाएंगे तो देखते हैं अलाउ करते हैं कि नहीं। ज़ेनब को देखो तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। करेंगे नहीं यार, तुम्हें नहीं देख कर करेंगे, लास्ट में याद ही भेज दिए। ओके सो बैग में अपना क्रेडिट कार्ड भी रख लिया, लिपस्टिक भी रख लिया। सो लेट्स गो। ओके एज यूजुअल ज़ेनब और मामा लेट कर रही हैं, तो मामा कितना टाइम है, और ज़ेनब ऑलरेडी आ चुकी है, मम्मा का हम लोग वेट कर रहे हैं। सो बाहर वेट करते हैं, बाहर इतना अच्छा। मम्मा आ जाओ, आप बहुत लेट करवा रही हैं। माय मॉम इज लुकिंग एज यूजुअल वेरी प्रिटी, बहुत क्यूट लग रही है, और ज़ेनब अगेन फिर से बहुत ज्यादा तंग करते हुए। चलो बहुत ज्यादा तंग करती है, क्या क्या बोलूं। चलो वी आर हिटिंग लेट, चलो ओके अब मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ ग्रोसरी शॉप में जाकर, वहाँ पे जाके हम लोग क्या फन करेंगे। सो बी एक्साइटेड। ओके तो फाइनली हम पहुँच गए, तो अब ज़ेनब बहुत एक्साइटेड होगी ऑब्वियस सी बात है। और ज़ेनब अगर आपको पता लगे कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड ही घर भूल गई हूँ, सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? आपका रिएक्शन ऐसा ना होता अगर आप भूल गए क्योंकि मैं हाँ मामा आप सब कुछ मेरा आपका ही, आप हर चीज़ खरीद सकते हो। तो अंदर जाके पहले पूछ रहे थे कैमरा अलाउ है कि नहीं, क्या पता वो बोले क्या आप कैमरा नहीं निकाल सकते, सॉरी मैम। सबसे पहले आज से ज़ेनब की नज़र जो है ना इन पर गई है कि मैं ये खरीदूँगी, तो ज़ेनब आपको स्टफ टॉय इसके अलावा बट ये एग्जैक्टली आपको ऐसा लग रहा है? ओ ओ ओ इसमें मुझे पता है अंदर से तेरा अपना दिल है। किस स्टफ टॉयज तो ऑब्वियसली मुझे पसंद है, बट मैंने उनसे परमिशन लेके ऐसे कुछ बोलेंगे तो नहीं मेरे ख्याल से। हाँ अगर सबने माँ बाबा को नीचे छोड़ दिया ठीक है, और हम लोग ऊपर आ गया ज़ेनब को लेकर, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें चाहिए एक टेप ठीक है, तो वो हम लोग नीचे जो लगाएंगे, सो देन वी विल प्रोसीड कि कैसे इसको चैलेंज को ख़त्म करना है। हाँ हमें एक टेप चाहिए, तो यहाँ से टेप खरीदते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके सो कंटिन्यूसली ये लड़की मुझे जो है ना वो इंसिस्ट कर रही है कि आप जो है ना मुझे ये वाला बॉक्स कर लो, बट देन इस बॉक्स में ना तुम पूरी अपना पूरा वो भर सकते हो। मैं कोई ऐसी चीज लूंगी नहीं। ओके सो फाइनली हमें ये प्लेस मिली है जहाँ पर हम लोग जो है वो बॉक्स बनाएंगे।
सो जैनब आप ऐसा करो इस बॉक्स को, इसको यहाँ मैं बनाऊंगी ना, तुम तो बड़ा बनाना लग जाओगी यहाँ पर। जैनब मैं लगाऊंगी, आपकी कैमरा पकड़ो, मैं लगाती हूँ। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बहुत छोटा बनाएंगे ताकि जितना चाहो उतना सामान डाल सकते हो, सब खरीदने की तुम्हें परमिशन है, ठीक है। सो अगर इसमें से कुछ गिरा या कुछ निकला इसमें से, इतने तक आ सकता है वो, बाहर नहीं आ सकता। आ सकते बाहर कैसे? अगर कोई आपने चीजें रखी तो ऊपर ऊपर रखो ना। हमने इसके लिए टाइम लिमिट कोई नहीं रखी है, जितना मर्जी खरीद सकती है सामान, ठीक है। तो फिलहाल मम्मा ने तीन चीजें उसके अंदर रख दी और जैनब को चैलेंज समझ आई हो कितनी तरीके से उसको खेलेगी। तो अब भी फिलहाल आई डोंट नो वेयर शी इज गोइंग, क्या करेगी अब इस टाइम आप? मुझे हंसी आई, सर सर आपको क्या खरीदना है मुझे बताओ। और अभी ज़ैनब बहुत एक्साइटेड है एंड हर जगह वो घूम रही है। सबसे पहले सोच लो, टाइम लिमिट कोई नहीं, आराम से सोच कर खरीदो। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ैनब ने एक चीज़ पकड़ ली और ये क्या दिखा, शो मी, इट्स नेल आर्ट स्टड। तो वेस्ट ऑफ मनी स्टार्ट हो चुकी है ज़ैनब की। ज़ैनब इसको देखते हैं बॉक्स के अंदर ये पूरा फिट आता है या फिर नहीं आता। सो एक मिनट, लेट मी सी। ठीक है, ओके, देखो बाहर तो नहीं निकल रहा कहीं से, ठीक है। और ज़ैनब किसी तरह चाह रही है कि स्कूटी फिट आ जाए इसमें। हाँ ज़ैनब ये नहीं आएगा, उसमें मैंने इसीलिए छोटा बॉक्स बनाया था कि तुम्हें। ज़ैनब इज वेरी एक्साइटेड राइट नाउ एंड शी इज चूजिंग वेरी वाइजली। क्या चूज किया? ज़ैनब वेरी बैड, और ये पूरा नहीं आएगा उसमें। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होती, मैंने इतना कुछ खरीदा तो तुम लेकिन बहुत वो तरीके से कर रही हो। वाह वाह वाह, ये क्या खरीदे? स्लाइम। ओके, तो ज़ैनब ने स्लाइम खरीदी और पता नहीं अभी क्या लेगी यार। ज़ैनब आर यू फॉर रियल, ये तुम क्या लेकर जा रही हो, दिखाओ दिखाओ। ओह माय गॉड, ये कोई यार तुम ज़ैनब, आपको मैं नहीं लेना। ये है टीना, मीना, शीना। हेलो मिस टीना, हेलो मिस शीना। चलो तो ज़ैनब अब और सामान कहाँ जा रही है, वी आर फॉलोइंग हर। तो देखते हैं और ये क्या खरीदती है। ज़ैनब प्लीज़ स्मार्टली खेलो, ये गेम स्मार्टनेस की है गेम, ठीक है। ये नहीं है कि आप जज्बात से खेलो, आपको स्मार्ट तरीके से खेलना होगा। ज़ैनब ने फाइनली दो चीज़ें खरीद ली हैं। स्मार्ट आइडिया बताओ। हाँ अगर मैं इसको ऊपर रखूँगी इसको कोई चीज़ नहीं रख पाऊँगा। हाँ वैसे ही होगा। नहीं यार तो वो गिरेगा। ओके, तो ज़ैनब ने दो चीज़ें फाइनली खरीद ली। अम्मा आप देख रही हो ना कितना वेस्ट ऑफ मनी कर रही हो, और अंकल फुल शॉक है कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो ज़ैनब ने तीन चीज़ें जोड़ ली हैं, एक स्लाइम ले लिया और दो ये ले लिया। जिस टाइम आपकी कोई एक चीज़ भी ऊपर से गिर गई तो आपकी गेम खत्म हो जाएगी, बल्कि टाइम आप अब पता नहीं क्या काम करने लगी है कोई। लूंगी तो देख लो, मर्जी है तुम्हारी। और पापा इधर अपनी शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। हाँ आई डोंट नो, इट्स अप टू यू। ओके, सो मम्मा ने इसकी थोड़ी हेल्प की, उसको मशवरा दिया कि तुम ये मत खरीदो, ठीक है। अभी वापस रखने जा रही है, आप पता नहीं है क्या खरीदेगी जाकर। ये क्या चीज़ है? आई डोंट नो, क्या क्या है ये दिखाओ। इट्स अ डिज्नी प्रिंसेस, क्या है ये? I'm gonna buy this for sure. What is this? Let me show. लूंगी। क्या ये है? देखो ये ना बुक है, वायरलेस चार्जर, इस पे फोन आप रख के चार्ज कर सकते हो। और ये नोटबुक है अंदर, तो नोटबुक की नोटबुक वायरलेस चार्जर का। क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और ज़ैनब पावर बैंक भी है, पावर बैंक भी है ये, और साथ डायरी भी है। ओ माय गॉड, तो ज़ैनब ये खरीद रही है। क्या प्राइस है क्या इसका? मुझे तो प्राइस से कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो प्राइस से है ना, कार तो मेरा यूज होना ना। 5000? ज़ैनब आर यू सीरियस? नो, वापस रखो यार। अल्लाह करे वो इसके वहाँ पे पूरा ही ना आए, मुझे इसका बॉक्स आकर देखना था। अल्लाह करे इसके बॉक्स में पूरा ही ना आए और खरीद ही ना सके। मम्मा मामा ज़ैनब पता नहीं क्या वायरलेस चार्जर ले आई है उठाकर। अम्मा इसकी प्राइस पता है 5000 है और ये खरीद रही है। ये पैसा तो मैंने देना है ना। पापा जी देख ले, फजूल चीज़ें खरीद ली है वायरलेस। ओह माय गॉड। ओके, तो ज़ैनब को सिर्फ पापा ने एक लुक करवाई और ज़ैनब ने वो जाके वापस फेंक दिया। अब ज़ैनब आ गई है ईटिंग एरिया में, जहाँ पे ये ईटेबल चीज़ जो है ना, चीज़ें खरीद सकते हैं। और ज़ैनब बहुत नर्वस है इस टाइम। ज़ैनब अच्छे तरीके से खेलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ, ठीक है। इतना सोच रही है कि पता नहीं क्या जैसे हो गया, और इसको है कि एक दफ़ा खरीद लिया दोबारा खरीद नहीं सकता। और यहाँ पे हमारे सारे जो अंकल वगैरह सब एक्साइटेड हैं कि ज़ैनब जीतेगी ये चैलेंज या फिर नहीं। तो अब ज़ैनब ने ये तीन चीज़ें रखी हैं। सो ज़ैनब, ज़ैनब ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरे पाँव पे इतना जोर का मारा, ये तुमने क्या किया है? कहते हैं लालच बुरी बला है, समझ आई तुम्हें बात? ओके, तो आपको देखा ज़ैनब बहुत बुरे तरीके से, ये लेनी थी ना, घर जाके चैलेंज करे। ये क्या चैलेंज? वो याद नहीं, वो डेंटी जो मेयू बनाती है। हाँ ये पहना के आपको, गाइस हमें ब्रेसेस लगे तो हम लोग को आदत है पहनने की, तो ये तुम्हें ये लेना है। इससे आपके ब्रेसेस इफेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं हम दोनों है क्या, ये चैलेंज दिखाना ना यूट्यूब पे। हाँ चलो ठीक है, रिक्वायरमेंट ये चीज़ है। तो ये ले रही हो आप? हाँ, बाकी सब ये सोच रहे हो कि काफ़ी ह्यूज बॉक्स है ये पूरा, जो गिरी है ना इसको काफ़ी जोर का लगा। और अभी मैं बताती हूँ, पापा को ये स्केटबोर्ड ले रही थी और इसे गिरने वाली हो गई, ठीक है ना। मज़ा आया?
चलो अभी इसको फिट करो, जरा देखते कैसे फिट करती है इसमें, कैसे आएगा है ये, कैसे आएगा। ओ मैं ये एंड पे खोल रही थी जो डब्बे वाले ऐसे है, लेकिन अब ये दो मैंने चीज बॉक्स कर लिया, अब मैं नीचे चले। चलो आ जाओ। सो आप लोगों को ऑब्वियसली मजा आया होगा, तो अगर मजा आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, जल्दी से कर दे, साथ साथ ब्लॉग देखे साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे। ओके तो अब जाना भाई है कहाँ पर, अभी जेली सेक्शन में आ गई है। सो यहाँ से आप जितना सामान कैरी करके जा सकती हो ऊपर लेके चली जाओ, नो प्रॉब्लम, ऑल थिंग्स आर अलाउड, तो आप जो मर्जी ले सकते हो। जैन चॉकलेट पर वार कर रही है, बहुत ही क्रिमिनल वार। तुम्हारा सामान सोचो अगर एक भी गिरा तो तुम लॉस्ट, वार टाइम अप हो जाएगा। ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स गाइस। ऐसे ज़ैनब मत खरीदो प्लीज यार, लालची औरत। ज़ैनब घर पर इतनी चॉकलेट्स हैं, क्यों खरीद रही ये, क्यों खरीद रही इतनी, मेरी फेवरेट वाली इतनी की चॉकलेट है यार यार। ओके सो नाउ शी इज अटैकिंग स्टफ टॉयज, इतने प्यारे प्यारे, बट स्टफ टॉयज आप बाय कर सकते हो क्योंकि इनमें मुझे फायदा, मेरे रूम में ही जाएंगे सब। अगर आपने इतना कुछ नहीं, सब फिट भी करना है, कुछ गिरा ना तो तुम्हारे गेम ओवर हो जाएगी बेटा, जितना कुछ तुम खरीद रही हो ना ओवरऑल। ये कितना अच्छा है यार, नाइस यार, आई लाइक दिस। जैनब फॉर श्योर ये कर लो कि आपके फिट आ जाएगा सब सामान वहाँ पर। मैं कर लूंगी वो, वही तो। हाँ जी सोच जी जी चैलेंज है, सोच समझ के खरीदो, वहाँ पे फिट ना आए ना तो फिर मजा आएगा मुझे। मुझे बहुत खुशी होगी जब जैनब का सामान वहाँ पे फिट नहीं आएगा, एंड टाइम पर जब फिट नहीं आएगा तो आई विल बी सो हैप्पी। अब ये क्या, मुझे वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे ये चैलेंज दे, तो गाइस आपने तो मेरी बहनों प्लीज मुझे भी ऐसा कोई चैलेंज दे दिया करो यार। चलो बस बस करो, बस करो, मेरा पैसा खराब कर रही है। अपने लिए कुछ कपड़े खरीदू, शॉपिंग कर लूँ मैं अपने लिए, तुम्हें मैं लेकर दी जा रही हूँ। जैनब आपको किसी बाइक पे बैठना, सो यू कैन सिट ऑन दिस। Oh my god, it's so, this one is so bombastic side eye, criminal, offensive side eye, criminal side eye. अगर जैनब बहुत ही क्यूट फैन है जो ये दे रही है, किसके लिए, जैनब के लिए कि मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। सो बच्चे ने हमें ये दिया था, जैनब आप ये भी अंदर फिट कर सकते हो, बट ये उसने गिफ्ट दिया है था, सो मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच बेबी। ओके सो ऐसे कहना चाहते हो कि जो फैंस गिफ्ट देते हैं ऐसी चीज़ें करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच जिस बच्चे ने दिया। अगर वो ब्लॉग देखा तो थैंक यू। हमारा बताया एक बच्चा आया और आकर कहता कि ये आपके लिए चॉकलेट, कितना अच्छा बच्चा है ना। हाँ वो उन्होंने कह दिया कि इसका बिल हो गया, तो इसको मैं अपने पॉकेट में रखा कि बच्चे ने बिल पे कर दिया। अब अंकल, अंकल आपने इसकी हेल्प नहीं करनी ना, चलो ठीक है अंकल जैनब की हेल्प कर रहे हैं। अब देखते जैनब की चीजें फिट, मम्मा तो आराम से आ रही है फिट, उसने डब्बे रख लिए। और मुझे हो रहा है कि जैनब कितनी स्मार्ट मैच कर रही है यार, कितने अच्छे से अंकल सामान रखने में हेल्प कर रहे हैं जैनब का। जैनब ने क्या क्या रखा है भाई, बहुत आइटम्स हैं, अब इसने फुल रख लिया। अल्लाह करे एक चीज गिर जाए इसकी गेम तो आउट करूँ ना मैं। अंकल ये मैं कहती हूँ आप छुप के गिरा दें तो इसकी गेम आउट कर देते। ओ अंकल उसके साथ जैनब ये गिर जाएगा, अल्लाह के हाँ यही जैनब ये रखो गिरेगा, ये अच्छी बात है गिरेगा। मुझे समझ आई जैनब के हेल्पर्स भी आ गए हैं, ठीक है तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो नहीं कोई हेल्प करता। ओके अल्लाह प्लीज कोई एक चीज़ गिर जाए, कोई एक चीज़ गिर जाए। अच्छा क्यों अंकल को लगता है सब टेक्निक्स हैं, सब टेक्टिक्स पता है। अब जैनब और कहाँ जा रही है, कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी, वाह। अब जैनब कोई बिस्किट देखने आई है यहाँ पर, देयर आर सो मेनी बिस्किट्स। मैंने एक ड्रीम सोचा था कि एक दिन मेरा एक ऐसा घर होगा जिसमें पूरा इस तरह की जगह होगी जहाँ पर हर तरह का खाना होगा। हाँ कौन सा बिस्किट लेना, तुम्हारा गेम है कि मेरा गेम है, मुझे बस ये बता दो। जैनब ज्यादा सामान पकड़ो ताकि एक चीज गिर जाए, तुम्हारी गेम आउट करूँ, क्योंकि अब तक मुझे मेरा काफी बिल बन चुके हैं। मेरा ख्याल से मेरा 8K तो यही पे बना दिया ना, जैनब मेरा इतना बजट नहीं है, तो प्लीज। हाँ अम्मा गिरेगी। ओके यहाँ पे ये मामला बहुत संगीन है, ठीक है क्या पता यहाँ पे गिर सकता है कोई। अच्छा ऐसा लग रहा है अंकल, अंकल जैनब के फुल पार्टनर, नहीं गिरा कुछ भी, देख लेते हैं ये तो रखे अंदर अंकल, बड़े चला के अंकल अभी नहीं रखे, अंकल पूरा पॉश ना के ऊपर एक बार डब्बा रखे फिर ऊपर रखे, गिरेगी तो वही तो मैं पास पास ही रहूँ, कुछ गिरे तो मैं साथ साथ रहूँ। अभी एक गिरा उनको कहते नहीं नहीं अभी नहीं डाला, अब जाना ये पक्का गिरेगा, नहीं गिरा ये भी रखे ना ऊपर, गिरा 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 गिरा। और मैं तो रखती एक बड़ा सा बॉक्स रखती उसके ऊपर रख देता, बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ो ताकि गिरे ज्यादा। मैंने अपने दोस्त बनाए, नहीं चलो चलो कोई हेल्प नहीं, हेल्प लेना मना है, हेल्प लेना मना है, ठीक है। जैनब का दूर से आपको दिखाती हूँ किस तरह का लग रहा है उसका वो, तो जैनब का ये लग रहा है अभी इस टाइम पे। अभी इसने काफ़ी सामान इसमें फिट, देखो जरा कितनी चलाकी से सामान फिट किया था उसने अंदर। नाउ शी इज फिक्सिंग स्प्रिंगल्स इन दिस ह्यूज बिल्डिंग, तो जैनब ने बनाई बिल्डिंग, वाह वाह फूड बिल्डिंग, ये पक्का गिरेगा जैनब, आप टच करोगे तो गिरेगा, ये पक्का गिरेगी, गिरेगी, गिर के गिर के गिर के गिरेगी,
गिर गई नहीं गिरा यार अंकल, हेल्पर रखा। गलत बात है अंकल, उसका हेल्प कर रहे हैं ज्यादा। जैना अब आप ऐसा करो, कोई बड़ी बड़ी चीजें खरीदो, ये खरीद लो यार, एक्सपेंसिव चीजें उठा रही है। पापा को देख रहे हैं, आप अपनी शॉपिंग कर रहे हैं ना। जरा आप हेल्प नहीं ले सकते हो किसी से, मुझे क्यों दे रही हो? ठीक है चलो, अब जरा खुद अम्मा, अब आई ना हाथ में बकरी, ये कैसे रखेगी अब? कितनी प्लानिंग से रख रही है, अल्लाह एक सामान तो गिरेगा ना। ये इसने रखा नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ वाओ, तो अंकल ने ज़ैनब की हेल्प से मना कर दिया, क्योंकि ज़ैनब ने जिद्दी तरीके से ऊपर खुद डब्बे रख लिए, क्योंकि वो डब्बे हम ऊपर अब कुछ भी रखेंगे तो वो गिरेंगे। और अब ज़ैनब काफी कंफ्यूज है, बहुत वाइजली है ना चीजें यहाँ से आगे खरीद रही है। देखो क्या खरीदोगी अब तुम इधर से आकर? कोई डब्बा लेना पड़ेगा। डब्बा? क्या डब्बा? पता नहीं, तुम जो दिल करता करो, बस मुझे है कि जल्दी से गिर जाए, मेरी जान छूटे। कौन सा खरीदे? क्या खरीदा? ये बिस्किट खरीदा ज़ैनब ने। और क्या है अंकल? नो हो रही है चीटिंग। अंकल चीटिंग कर रहे हैं उधर से। पापा आप देखते रहे, चीटिंग ना कर। अंकल आप अब ना करें, आपने मना किया था ना उसकी हेल्प करने से। अंकल ये ऐसे, अंकल उसकी हेल्प करने से नहीं होगा। हाँ, ध्यान से। ये ऐसे जुड़ गया ज़ैनब का, और ये तो गिरेगा नहीं। गिरा यार, नहीं गिरा। सोच, और गिरोगी तो सबसे जाओगी, हर चीज से जाओगी। अगर एक भी चीज गिरी सबसे जाओगी। चलो बस बेटा जी, जो गिर गया वो नहीं ले सकती आप। गाइस मैं आप लोगों को बस समझा दूं कि फॉर एग्जांपल अगर जाने वो बॉक्स में से कोई चीजें गिर जाती हैं तो गेम स्टॉप हो जाएगी वहीं पर, और जो चीजें बॉक्स में रहेंगी वो इसकी होंगी, जो चीजें गिरी होंगी वो इसको हम नहीं देंगे, फिर वही फेल हो जाएगी उस गेम में। अब तुमने क्या लेना है? ओके ज़ैनब, ये बॉक्स, ये बहुत ही गलत चॉइस की है ज़ैनब ने बॉक्स पकड़ने की, और जो एक चीज़ आपने एक दफा पकड़ ली वो आप वापस नहीं रख सकते। ओके सो ये लोग इतने अच्छे हैं यहाँ, इनकी शॉप वाले जो ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो पेस्ट्रीज दी हैं, ब्राउनीज दी हैं। सो पापा आप खुश हैं? तो ये लोग शॉप वाले बहुत अच्छे, उन्होंने ब्लॉग भी बनाने दिए, ऊपर से हमें ब्राउनीज भी दी हैं। सो हम लोग ये खाएंगे। तो ज़ैनब मेरी वजह से मिली है, तुम्हारी वजह से नहीं मिली है, हम लोग घर जाके खाएंगे। सो अब ज़ैनब कहाँ गई? क्या लिया तुमने? बैग? ठीक है, लिया और ये बोलता है ये बैग लिया ज़ैनब ने यार। ठीक है, और यार कोई बैग नहीं है राबिया। अगर से पापा इधर ब्राउनी टेस्ट भी करे, कैसी है इनकी? अच्छी है। तो गाइस इनकी जो ब्राउनीज है वो बहुत बहुत टेस्टी हैं, तो आप लोग भी आके ले सकते हैं। क्या लेने लगी हो? वीडियो गेम? कौन सी वीडियो गेम? रिमोट कंट्रोल कार, पता है ना उसका प्राइस कितना ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, अब रिमोट कंट्रोल कार ज़ैनब दिया, उसका ज़ैनब ने बहुत गलत डिसीजन लिया, क्योंकि वो किसी भी टाइम गिर सकती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ऊपर से गिर जाएगी, ज़ैनब नहीं देगी वो। ठीक है ले लो, देख लेते हैं कैसे रखोगी तुम, ये देख लेते हैं। ना गिरी तो मेरा नाम भी राबिया नहीं है। चलो बेटा आओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ जाके जब ये रखेगी तो कितना मज़ा आएगा कि ज़ैनब कैसे आउट होती है। सब अपनी आंखों से देखना कि ज़ैनब कैसे आउट होगी। चलो, ये ज़ैनब का पहाड़ है इस टाइम पे, और इसके साथ ज़ैनब ऊपर कैसे रखोगी? रखो रखो रखो, मैं तो बहुत खुश हूँ। ज़ैनब कैसे रखेगी? गिर जाएंगी ना? हाँ जी गिर जाएंगी, गिर जाएंगी बेटा। ये सिंगल आप इस कोने पे रख लेना, और वो अंकल आप हेल्प ना करेंगे, जीत जाएगी बेटा। ज़ैनब ऊपर रख रही है, अल्लाह प्लीज गिर जाए। अंकल उसका हेल्प ना करें, ना 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 ना, ज़ैनब हेल्प नहीं ले सकते आप, वरना आप आउट हो जाओगे। अब तो गिरेगा, अब तो आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि गिरेगा, आई एम श्योर। ये रखा ज़ैनब ने, नहीं गिरा। ओ माय गॉड, छोड़ दो अब। एक मिनट ना, ओ शिट यार नहीं गिरा। ये मतलब ये ले रही है कार। ओ शिट, ज़ैनब का पता नहीं यहाँ पे लग चल रही है शायद, ये कैसे ले रही है? अब देखते ये कैसे लगती है तुम ऊपर। ये तो पक्का गिरेगा। गिर गया। हो ये क्या, ये सारा वर्क लेकर जा रही हूँ। नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, और लो सामान, मैं चाहती कुछ गिरे सामान और ले लो। नहीं ओके, तो अभी ज़ैनब ने हार नहीं मानी, ठीक है? अभी भी वो कह रही है कि मैं और चीज़ें रखूंगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी वो जीत सकती है। पता नहीं उसकी हालत क्यों इतनी अच्छी चल रही है, तो स्टिल शी इज डूइंग। क्या कर रही हो अब तुम? अब ये अब इसने गलती कर दिया, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये गिर सकता है। ये इस तुमने एक प्रिंगल के ऊपर रखा हुआ है, उसको मामा ऐसे देख रहे हैं कि अभी गिरा। ये गिर सकता था, तुमने पकड़ना नहीं है ज़ैनब, अब अगर गिरा तो। ठीक है, ज़ैनब ने पता नहीं क्या रखा है अंदर। अब ज़ैनब यहाँ पे आ गई छोटी चीज़ों पे, क्योंकि उसको पता है बड़ी चीज़ रखेंगी तो गिरेगी। अच्छा, इन्हीं के यही तुम्हें हमेशा पता है, छोटी छोटी चीज़ें गिरा देती हैं इंसान को। छोटी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी में। और ये गिरेगी, ये गिरा। नहीं गिर रहा यार। वाओ नाइस ज़ैनब। तो ज़ैनब ने जो है अब क्या लिया है इसने?
ठीक है ठीक है, रखो रखो। ओके सो फाइनली जैन ने एक इयररिंग्स लिया और ये थे यस यस, पापा को बहुत खुशी हुई क्योंकि जैन अब क्या क्या गिरा है, जो जो गिरा है वो तुम नहीं ले सकती, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, वो भी निकाल दो, यस यस। सो जो जो रह गया सिर्फ आप वो खरीद सकती हो। वैसे मेरे सामने जो अंकल ने चीजें सेट की थी ना जैनब, सिर्फ वो ले पा रही है ठीक है, बाकी जैनब कुछ नहीं ले पा रही। तो फाइनली पापा बहुत खुशी से सारा सामान वापस रख कर आ रहे हैं। नहीं नहीं, जो गिर गया गिर गया। सो फाइनली जैनब आप जीती हो, आप जीती हो ये चीजें, याहू तम पम पम पम। इससे ही होता कि जैनब ने थोड़ा सा वो किया क्योंकि खाली से जब बॉक्स रखा था सिर्फ इन एयरिंग्स की वजह से जो है ना जैनब हार चुकी है। जैनब हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? फिर भी इतना कुछ आप जीत चुकी हो तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? हाँ मम्मा, वैसे इसने ये भी वेस्ट किया, ये भी गिर गया। और हम लोग मिलकर जो है सारा सामान जो है इसके लिए डालते हैं और अभी जाके बिल करवाते हैं, देखते हैं कि इसका बिल जो है वो कितना बना है। लेट्स सी के कितना जैनब ने जो है ना आज के दिन कितना अर्न किया है। ये डर 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 कितना मजा था। मैं इस बकेट का करती ना फिर ना ये जीत पाती है ना। हाँ अभी भी जैनब को नहीं करना आ रहा। चलो और अंकल ये कुछ इसने विन किया है। जैनब आप ये नहीं ले सकते हो, अपने पैसों से हो तब इसने चीटिंग की है। जैनब चीटिंग कर रही है मम्मा, जो मैंने इसको सामान दे इसका बिल पापा दे रहे, जो पापा दे रहे थे मैंने क्यों दिया, फिर सबका आवाज है नहीं मुझे देना पड़ेगा ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैनब का दूसरा बिल हो रहा है, इनका जितना बिल बनेगा ना वो मैं दूंगी ठीक है। ओके तो अब हम लोग करने लगे हैं जैनब का बिल, जो मैंने चीज़ें लेके दी हैं उसका बिल क्योंकि मैं दूंगी ऑब्वियसली। सो वो बिल करने लगे और देखते हैं जैनब कितना आपने कितना मुझे लूटा है ठीक है। तो लेट्स सी, ये सामान है जैनब ने जो लिया, अब इसका बिल करते हैं। सो यहाँ पे इन चीज़ों का बिल हो रहा है जो जैनब ने खरीदी। जैनब ये आपने नेल वाला से क्या सोच के खरीदा? क्योंकि यही मेरा जरिया है सब चीज़ें रखने का, सब चीज़ें रखने का, क्योंकि इसी के ऊपर सब जैनब ने रखा था। तब इसका बिल देखते हैं कितना बनता है। हाँ क्यों लिया इसने, अपने ब्लॉग में यूज करेगी, स्मार्ट प्लेयर अपने ब्लॉग में यूज करेगी, ये कोई नई चीज़ बना के दिखाएगी। हाँ अपने ब्लॉग में नेल आर्ट करेगी, मैं भी आगे ऑल्सो यूज प्रोडक्ट क्योंकि मैंने वैसे लेकर दिया तो मैं यूज करूँगी। तो ओवरऑल ये सामान लिया जाना आपको लेते हुए जरा भी नहीं हुआ कि राबिया बिल्कुल भी नहीं है, जीता है 0%। उसने क्या किया? या नहीं जीता है। हाँ सो देखते हैं अब इसका कितना बिल बनता है। ओवरऑल कितना आपको लगता है अंकल बिल बन जाएगा इसका? 1,000, 2,000, 20,000? पर 10 तक की रेंज है मेरी, 20 नहीं, मुझे नहीं, मुझे लगता इसका 10 तक बन जाएगा। आपको क्या लगता है कितना बनेगा? आप 20 ऊपर बन जाएगा। जैनब आपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स उठाए हैं, मैंने तो कुछ एक्सपेंसिव और वो बिस्किट थोड़े होते हैं। हाँ जी सब स्टे ट्यून्ड रहेंगे कितना बिल 20 बनेगा। वो कह रहे हैं 25 के करीब चला जाएगा। 25,000? Are you serious? ये एक घाव बताए सारा सामान कितने का आया? 23,000 है ना। आप सीरियस हो? 23,000 इतना ज्यादा कैसे हो गया? मैं नहीं मानती एक दो मैंने इतना कुछ खरीदा। हाँ ठीक है चलो बिल करते हैं। चलो 23,000। ओके सो गाइस टोटल जैनब ने खरीदा है 23,000 की चीज़ें, लाइक जैनब ने विन की है 23,000 की चीज़ें, वो भी राबिया से। सो जैनब से पूछना उसको कैसा लग रहा है। सो हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? तो मैं लगता है कैसा लग रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। हाँ जी शुक्र है गिर गई चीज़ें, वरना तुमने तो मुझे लूटा, बहुत लूटा। अम्मा मेरे बैग से मेरा कार्ड दे दें, मेरा क्रेडिट कार्ड। सो फाइनली गाइज आप लोग ये फॉर श्योर करवा दूँ कि मैं अपने कार्ड से ही पे कर रही हूँ, पे करते हैं। और इसमें से थोड़ा सा सामान जो है ना वो पापा लोगों का, लेकिन बाकी सारा सामान जो है जैनब का। जैनब शर्म ना आई तुम्हें, जितना हमारा बना उतना ही आपका बना। अल्लाह जैनब क्या कह रही है, हमने तो घर की चीज़ें ली हैं। हाँ तो गाय जैसे ही हम लोग बाय बाय अंकल बाय सबको बाय बोलती हूँ, बड़ी हेल्प किया आपको बाय लूटने, मुझे लूटने में बहुत हेल्प करी। अब क्या हुआ जैनब अपना फ़ोन जो थी वो वहाँ पर भूल गई, तो मुझे पैसे कैसे आया? जैनब मुझे कहती राबिया मेरा फ़ोन कहाँ पर है, होश थी तुम्हें मुझे लूटने से होश मिले तो और कोई काम करो ना बदतमीज। आइंदा का मैंने नहीं करना इस लड़की के साथ चैलेंज, अगले बंदे के साथ ज़रा ख्याल नहीं किया, इसने मुझे 23,000 का राबिया जैनब ने लूट लिया। कोई बात नहीं मैनेजेबल। ओके गाइस आप लोग का व्लॉग बहुत पसंद आएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बाकी हमको घर जाके दिखाती हूँ, बट जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जल्दी 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 जल्दी, मेरा 23,000 लग गया यार। ओके गाइस फाइनली वी आर एट होम, और आज पूरे ट्रिप पर ट्रिप कह रही हूँ, पूरे इस व्लॉग में जैनब को काफ़ी कुछ मिला और मुझे मिला सिर्फ एक फैन से चॉकलेट, तो मेरे लिए यही बहुत है, थैंक यू सो मच जिस बच्चे ने मुझे दिया था। जैनब बहुत ही लालची तरीके से है ना यहाँ पर सामान उठाते हुए, आप अंदर चलो जैनब अब
मैं इतना थक गई हूँ और इसको मैंने इतना शॉपिंग करवाई है। सो क्या तो मैं क्या पकड़ू, मैंने ले दिया बहुत नहीं है, अब मैं पकड़ूंगी तो सामान क्या सर पर रख के थोड़ा। बस बस चलो लो अभी। तो गाइस मुझे आप लोग इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन बताएं कि मैं अपना हेयर कट करवाऊं या ना करवाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि अपना हेयर कट करवाऊं या ना करवाऊं, मुझे तो ना और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। चलो जाओ ना, एक शॉपर पड़ा है वो पकड़ लो। काम इसने मुझसे ऐसे करवाने हैं ना, जैसे मतलब कि काम सारे मैं करूँ, फिर भी अब सारे काम मैं ही करूँ, मैं क्यों बहुत अच्छा निकला हुआ जिन हूँ जो हर कोई निकालता ही जाए। इसको बंद फिर कैसे करूँ, मेरे हाथ में कैमरा वापस जी, इसको बंद कर दें फिर। सो होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अपना हेयर कट करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा थोड़ा इतने बाल करवा लूँ, मतलब इतने अब इतने करवा लूँ। सो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो बाय।